students, in this session we are going to learn exercise number 3.1, question number 4. So the question number 4 is, examine the table. Each figure is divided into triangles and the sum of angles deducted from that. यानी कि आपको यहाँ पे figures दिए हैं टेबल है, जिसमें figures दिए हैं इसके sides है उसके angles सम दिए हैं. Now first figure देखे तो क्या है, triangle. Triangle में कितनी sides होती है, 3. वैसे angle सम कितना है, 180 degree. वैसे similarly for second figure देखे तो यहाँ पे कितनी sides है, 4. तो यहाँ पे इसका मैं angle सम दिया है 2 into 180. So 2 कैसे आया यहाँ पे, so number of angles, number of sides कितने हैं यहाँ पे, 4. So यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 minus 2 is equal to 2. So 218 is a, that is 36. So यहाँ पे एक 0 है वो add कर देंगे. So अगर 4 sided वाला figure है तो इसका measurement, इसका angle sum जो है वो कितना हो जाएगा, 360 degree. वैसे यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे आया है 3. तो 3 कैसे आया, 5 minus 2 is equal to 3. So 318 is a 54, यहाँ पे 0 है तो हम 0 ऐड कर लेंगे. तो 5 साइडेड का एंगल सम कितना हो जाएगा, 540. नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे 4 into 180. तो 4 कैसे आया, 6 minus 2 is equal to 4. सो 418 is a 72, और लास्ट में 0 है तो हम 0 ऐड कर देंगे. सो 6 साइडेड अगर है तो इसका एंगल सम कितना हो जाएगा, 720. Now, आगे क्या है यहाँ पे, what can you say about the angle sum of a convex polygon with the number of sides are. यहाँ पे first है 8, that is 7. अब यहाँ पे हमें इस number of sides दिए, उसके measurements निकाल रहे हैं, इसके angle sum. तो यहाँ पे first है 7, तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही करेंगे. 7 है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 7 minus 2 into 180. 7 यानी कि number of साइड्स, नंबर ऑफ साइड यहाँ पे 7 है. सो 7 minus 2 मल्टीप्लाई बाय 180. सो 7 minus 2 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 एज इट इज. 518 का क्या हो जाएगा, 90. और यहाँ पे 0 है तो 0 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 900. क्या जो 7 साइडेड है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एंगल सम का, 900. सो दिस इज द ए नंबर 1 to B. नाउ हियर बी में क्या है, 8. तो वैसे ही करेंगे, 8 minus 2 into 180 degree. 8 minus 2 क्या हो जाएगा, 6 into 180. 6 18 is 108, और लास्ट में हम एक 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे. सो आंसर क्या हो जाएगा, 1080. सी में है 10, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 minus 2 into 180 degree. 10 minus 2, that is 8 into 180 degree. So 18 8 का क्या हो जाएगा, 144. लास्ट में 0 है तो हम 0 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1440 degree. नाउ लास्ट में है n, तो n की जगह पर नंबर ऑफ साइड्स में हम क्या रखेंगे, n है तो n का n ही रहेगा, n minus 2 into 180 degree. यहाँ पे आगे कुछ होगा नहीं, बिकॉज n है तो n का तो कुछ सम होगा नहीं. सो दिस इज द आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4.